हे एवरीवन, समय हो रहा है 8:30 और इस रूम की हालत दिखा देती हूँ। सारा सामान ये गाड़ी में पैक करके आ गए हैं, बस थोड़ा बहुत बाकी है। मैं अभी नहाने जा रही हूँ, ये भी नहाएंगे। लक्ष्य नहा लिया है, बेबी को मैंने रेडी कर दिया है। और आज ना हेमा भी जल्दी आ गई थी और हेमा ने मेरी बहुत हेल्प करी, बहुत ज़्यादा। पूरी किचन कर दी क्लीन अच्छे से, बोतल वगैरह भर के रख दी है ये सब। मैं ये सोच रही हूँ कि ये बर्तन वाली वो है ना, उस पर भी कोई कपड़ा डाल दूँ जिससे कपड़ा गंदा ना हो। ये तो यहाँ पर डाल देंगे कपड़ा, इसके ऊपर है ना, ऐसा ही करूँगी मैं। ये बड़े बड़े इसमें रख दो, हाँ बड़े बड़े रख दो, और ये हाँ रोटी वाला टिफिन भी रख दो, है ना वो सारा। तो चलो बस हो गया है सारा काम, ऑलमोस्ट हो ही गया है। बस वो वाला बेड सही नहीं हुआ है, मैसी हो रखा है, बस वो साफ होगा अभी थोड़ा। ये अभी सारा सामान चला जाएगा, बेबी को मैंने रेडी कर दिया है, ये थोड़ा खिला रहा है बेबी को, और झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, एकदम क्लीन क्लीन लग रहा है। चलो, और देखो ये टेबल पे कितना सारा सामान फैला हुआ है, तो वो भी रखना है। बेबी की दवाई, बेबी के कपड़े, वो सारी चीज़ें मैंने रख ली। अब मैं क्रीम पाउडर जो बेबी की हैं वो रख लेती हूँ, और डायपर वगैरह वो रख लेती हूँ। तो चलिए, आज हेमा ने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी, बहुत ज़्यादा। और हमारा स्टोर रूम भी एकदम अच्छे से देखो क्लीन है एकदम। और जो भी कालीन वगैरह थी ना, तो हेमा ने यहाँ पर तय लगा के रख दी हैं, क्योंकि क्या है ना फिर गंदी हो जाती हैं, फिर मुझे वॉश करनी पड़ती है आके तुरंत, तो इस वजह से। चलिए लाइट बंद कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है चलते हैं। कपड़े मैं दे रही हूँ कपड़ा, ये एक तो ये वाली टॉवल से कर देना कवर, है ना, ये ऊपर वाले तो इससे कर देना। ये बोतल मैं उठा कर रख देती हूँ, फ्रिज चलता रहेगा। चलो ये रेलिंग वाला गेट लगा दूँ, कुछ है तो नहीं रेलिंग पे, पोछा ले लेती हूँ। आज मैंने बोला कि रेलिंग मत करना, तो सिर्फ झाड़ू लगाया रेलिंग पे। तो चलो देखो मौसम कैसा हो रहा है सर्दी की वजह से। हे एवरीवन, 9:30 बज चुके हैं और हम एकदम रेडी हो चुके हैं। बस जो लास्ट वाला सामान होता है ना, वो लक्ष्य और अनिल रखने जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा भी लग रहा है, पहला सफ़र बेबी के साथ, पता नहीं कैसा रहेगा, वो परेशान तो नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें। क्योंकि लक्ष्य को ना रास्ते में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं, अब इसका कुछ पता नहीं है। दूध पिला दिया है, देखो बेबी सो रहा है अभी, और सुबह जल्दी जाग गया था क्योंकि मैंने उसकी मालिश करी थी, कपड़े वगैरह चेंज करे थे, और सब कुछ एकदम रेडी हो गया है, सब कुछ अच्छे से। बस माता रानी सब कुछ अच्छे से हम लोग पहुँच जाएँ, और भगवान जी के माता रानी के हाथ जोड़ लिए हैं मैंने। सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं, बस ये थोड़ा बहुत कंबल वंबल और बेबी के जो बास्केट है ना, छोटी और बड़ी, वो रखनी है। गाड़ी एकदम फुल हो चुकी है, बिल्कुल भी जगह नहीं बची उसमें, पता नहीं कैसे जाएगा सामान, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जो घी की बर्नी वगैरह थी वो मम्मी के यहाँ से आई थी, तो मम्मी के यहाँ देनी है, हाँ तो उनका भी बहुत ज़्यादा सामान हो गया। मम्मी के यहाँ का जो खाली बर्तन थे ना, मम्मी के यहाँ से कुछ ना कुछ आता रहता है, तो बर्तन भी देने हैं, क्योंकि वैसे मैं नहीं भी लेके जाती, लेकिन उधर से फिर से मुझे लाने हैं घी वगैरह वो सारी चीज़ें, तो इस वजह से मुझे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं इसलिए। और मैंने ये हल्की सी साड़ी पहन ली है। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि ये रेड ब्लाउज है ना, वही मेरा एकदम फिटिंग का है, और एक भी ब्लाउज फिटिंग के नहीं है, हैं 2-3 मैंने खोले हुए हैं, वो थोड़ा हैवी है, मतलब समझ रहे हो ना, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं ये सिंपल वाला बिना इनर वाला ब्लाउज पहन लिया है, और इसमें मैच भी हो रहा है, तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई है बहुत टाइम बाद, और एकदम हल्की साड़ी है ये। तो चलिए बस मैंने हल्का पुल्का पहन लिया है सब कुछ, और अब चलते हैं, और एकदम आके बस हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आज, है ना। हेमा ने बहुत हेल्प करवा दी थी मेरी, किचन में तो मैं ज़्यादा गई नहीं हूँ, चाय इन्होंने बनाई थी और सारा काम वो करके चली गई थी, गैस वगैरह वो सारी चीज़ें, और दिन मैं करती थी ये सारी चीज़ें, तो बस आज वो करके चली गई। आपको दिखाती हूँ एक लुक घर का, माता रानी के दर्शन करा देती हूँ भगवान जी के, और फिर चलिए। लक्ष्य लाइट बंद करके चला गया, तो ये सारी चीज़ें सेट हैं अच्छे से। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं जाती हूँ तो ये पिलो वगैरह है ना, उनको ऐसे करके रख के जाती हूँ। ये बेडशीट मैंने अभी चेंज नहीं करी थी, क्योंकि मुझे पता था घर से आएंगे तो धूल मिट्टी में ख़राब हो जाएगी, और ये गेट के नीचे बहुत ज़्यादा गैप है, तो वहाँ पर भी मुझे कपड़ा लगाना है। ये सारे टेबल कवर वगैरह मैं अच्छे से तय लगा के रख के जा रही हूँ, क्योंकि धूल चढ़ जाती है तो फिर आके ही मुझे तुरंत करना पड़ेगा। और ये अच्छे से हेमा कवर करके चली गई ये सारी चीज़ों को, आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से कवर करके एकदम।
चमक रहा है सब कुछ, और डस्टबिन का कचरा था ना वो भी फेंक दिया, और ये भगवान जी हमारे माता रानी अपनी कृपा बनाए रखना। और चलो चलते हैं, अजीब सी बेचैनी सी जाते हैं ना तो ऐसी बेचैनी सी होने लगती है, पता नहीं मुझे तो क्यों, और मेरा मुंह सूजा हुआ लग रहा है। एक्चुअली मैं मोटी हो गई हूँ और मेरी आंखें छोटी हैं तो ऐसा हो लगता है। चलो तो गैस वैस तो उसने बंद कर दी थी और हम ये बंद कर देते हैं और चलते हैं। मैं नीचे चलो कपड़ा वपड़ा लगा दूँ, बाल्टी वगैरह पानी की मैंने खाली करके जा रही हूँ, और आप लोग इस ब्लॉग में बने रहना हमारे साथ। बाय बाय। तो ये बेबी की बास्केट लेके जा रहा है नीचे, आराम आराम से, आराम आराम से। मेरा बेटा कितना काम कर रहा है भाई, लड्डू फर्स्ट टाइम जा रहा है गांव, काम तो करना पड़ेगा। लड्डू बेटा, ओ मेरा बच्चा गांव जा रहा है, मेरा बच्चा गांव। समय हो गया है 10:15, जाने का समय हो गया, 10 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे। सारा सामान नीचे पहुंच गया है और पतिदेव का नीचे से आया है संदेश कि लड्डू को जल्दी से पैक करो, लक्ष्य आया है कि लड्डू को पैक करो। तो चलिए लड्डू को लेके चलते हैं, ये आएंगे ताला लगाएंगे, लाइट वाइट बंद करती हूँ एक बार और ये भी चेक करेंगे, उसके बाद ही सब कुछ होगा। लड्डू फर्स्ट टाइम जा रहा है गांव। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, मैं बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग मिलेंगे। तो अभी गांव जाने की तैयारी हो चुकी है, सामान गाड़ी में पैक हो चुका है, गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं बची है, और मेरे पास तीन लोग हैं, एक ये एक ये एक ये, मेरा बच्चा सो रहा है और ये बच्चा बहुत मचल रहा है, और ये बच्ची का जी मचल रहा है, और ये तीनों मतलब ये दोनों जा रहे हैं 7 महीने में, लड्डू जा रहा है 3 महीने में, 4 महीने में, और मैं भी 7 महीने में जा रहा हूँ, बस मैं 10-15 दिन पहले एक घंटे के लिए होके आ गया था, कुछ काम था इसलिए गया था, नहीं तो 7 महीने में जा रहे हैं हम लोग। और आप देखो रूम में से जब सामान हट जाता है ना तो कितना बढ़िया रूम लगता है, ये देखो खाली बढ़िया रूम लगता है, बड़ा रूम लगता है ये बिल्कुल भी। और इन्होंने ना बहुत लेट कर दिया हमको, पता नहीं इनका क्या ही है, समझ नहीं आता। चलें अब, चलें कि नहीं? मैं बहुत ज़्यादा अच्छा। और एक तो ये इतनी मोटी हो गई है, अब गाड़ी में जगह नहीं है, बच्चे को भी सुलाना है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, सब फैल गया है, और सामान भी इतना फैला दिया है इन्होंने कि कुछ पूछो मत। मैं तुम्हें अगर गाड़ी दिखाऊंगा ना, गजब बेइज्जती है, गाड़ी दिखाऊंगा ना तो डिग्गी फुल, और पीछे की सीट पे आप कह सकते हो एक सीट के बराबर का हिस्सा पूरा फुल, आगे की सीट में आगे जो बूट स्पेस जो होता है वो पूरा फुल, फिर भी कुछ बैग गोदी में या हाथ में रख के ले जाने। मैं कुछ बोलूं? बोलो। जो तुमने मेरे ताने मारे हैं ना, ये फैल गई है, वो फैल गया है, देख रहे हो दोस्तों कितना अंतर आता है। यहाँ पर जो मुझे मारते ही है ताने, अब अपने माइक मैंने पता क्या समझा, ये कहने वाली है कि यहाँ तो मुझे मारते ही है, गाँव में जाके तो पता नहीं क्या करेंगे, यहाँ पे तो मुझे मारते ही है ताने, गांव में जाके पता नहीं क्या ही करेंगे, डंडे मारेंगे, यहाँ ताने वहाँ डंडे, डंडे की तो किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे पति हो, चाहे कोई भी हो। अच्छा तुम रोज पेलो हमको है, मेरे को पेला okay, इसमें बताऊंगा मैं कि मैं पेला। अरे यार कितने झूठ बोलते हो यार, भगवान भी माफ नहीं करेंगे ऐसे इंसान, भगवान माफ करेंगे क्यों नहीं, तो मैं नहीं करेंगे भगवान के, एक दिन चांद देखो दूसरे दिन चांद बिल्कुल कर दो खराब। यार थोड़ा बहुत काम में तो हेल्प करवानी पड़ेगी यार, तो काम में हेल्प की कौन कह रहा है, तो किसकी वजह से कह रहे हो, बहुत से लोगों की चांद गंजी हो गई है, तो मैं चांद मैं कल से ये बोल रही थी कि यार पता है बहुत सारे लोग हैं, मतलब इस एज में आके हम 30 के बाद आजकल पता नहीं क्या हो रहा है लोगों में, गंजे हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे बाल अच्छे। बेबी के पापा ने बेबी को ले लिया, मैंने बच्चे को दिखाओ जब बड़ा हो जाएगा ना, अरे शकल दिखाओ जब बड़ा हो जाएगा ना, ओ जाग गई बेटा, गांव जा रहा है मेरा बच्चा, फर्स्ट टाइम गांव जा रहा है मेरा बच्चा, फर्स्ट टाइम, ओ मेरा बच्चा फर्स्ट टाइम गांव जा रहा है। ये जब लड्डू तुम बड़े होके देखोगे ना, तब तक भैया बहुत बड़े हो चुके होंगे, तो ये है तुम्हारे बड़े भैया लक्ष्य, ये देख लो लुक, जो डेली वियर वाले कपड़े पहन के जा रहे हैं। यही हो जाएगा, चलो चलो लाइट बंद कर, जब तुम बढ़िया हो जाओगे लड्डू तब मैं 10th में आ चुका हूँ, 10th में, अच्छा ये तो देखने लायक हो जाएगा तब, 5th क्लास में तो हुआ ही है, 5 साल का हो जाएगा, 5 साल हो गए, ठीक है चलो चलो।
तो हम लोगों को थोड़ा जल्दी निकलना था, बट बेबी के साथ आपको पता ही है कि थोड़ा थोड़ा करके टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे हेमा भी आ गई, एक्चुअली मैंने उसको कॉल किया था, तो फाइनली जो भी बातें थी हमारी हो गई हैं और अभी हम जा रहे हैं ससुराल 7 महीने बाद बेबी को लेके फर्स्ट टाइम। तो आगे वाले ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।